हरियाणा में नागरिक अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर। जी हां, आपको बता दें हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर विश्वजीत राठी ने बताया कि रोहतक में एक जिला अस्पताल 8 सीएससी व 25 पीएससी हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 2000 के लमसम मरीज आते हैं। तो वहीं आपको बता दें जिले में एचसीएमएस के बैनर तले आज 150 डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी तो आपातकालीन लेबर रूम में पोस्टमार्टम बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो 29 दिसंबर से वे अनिश्चितकालीन के लिए यह सभी तरह के काम रोक देंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है तथा उनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से एचसीएमएस एसोसिएशन की, हमारी सरकारी डॉक्टरों की ऑल ओवर हरियाणा बहुत सारी लंबित मांगे थी, जो सरकार को मालूम भी है, सरकार को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है इसके बारे में, लेकिन उस पर कोई स्टेप नहीं उठाया गया सरकार द्वारा। इसलिए हमने टाइम टाइम पर हमने कई बार अपने प्रदर्शन किए हैं और सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। पहले काले बिल्ले लगाकर भी काम किया गया हमारे द्वारा, और उसके बाद पेन डाउन स्ट्राइक भी की गई कुछ दिन पहले 2 घंटे की, लेकिन उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो हम लोगों को मजबूर होकर इस एक दिन की हड़ताल पर आना पड़ा, जिसमें पूरे हरियाणा की ओपीडी सर्विसेज बंद हैं पूरे दिन के लिए, इमरजेंसी लेबर रूम और पोस्टमार्टम चल रहे हैं। देखिए, हम भी नहीं चाहते कि मरीजों को दिक्कत हो, और उसके लिए हम सरकार से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं, और वो जो मरीज हैं उनके कल्याण में ही वो चीज़ काम आएंगी अगर वो चीज़ हो जाती है तो। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए हितकारी होती हैं। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो 29 तारीख से हम पूरे हरियाणा में टोटल शटडाउन करेंगे हेल्थ सर्विसेज का, उसमें इमरजेंसी लेबर रूम पोस्टमार्टम सब कुछ बंद हो जाएगा। सर, मेरा नाम है डॉक्टर विश्वजीत राठी, मैं जिला प्रधान हूँ एचसीएमएस एसोसिएशन।